दोस्तों, आज है टीआरपी डे। जी हाँ, आ गई है बार की 30वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट, जिसमें वो 10 शो शामिल हैं जिन्हें टीवी पर जनता ने भरपूर देखा और अपना प्यार दिया है। तो इस हफ्ते बार की लिस्ट में किन किन शोज ने जगह बनाई है, बताते हैं जल्दी से आपको। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं नंबर 10 के पायदान पर आए शो से। तो इस नंबर पर है स्टार प्लस पर सालों से धमाल मचा रहा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, शो में इन दिनों आ रहे ट्विस्ट एंड टर्न्स ने ऑडियंस की धड़कनों को बढ़ा दिया है, तभी तो ये शो टीआरपी लिस्ट में शामिल है। शो को इस हफ्ते मिले हैं 2.2 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 9 पर है जी टीवी का शो कुंडली भाग्य। वेल, इस शो में भी हाल ही में ले पाया है और इसी के साथ शो को देखना काफी मजेदार हो चुका है। धीरज धूपर और श्रद्धा आर्य स्टारर इस शो को मिले हैं इस हफ्ते 2.4 रेटिंग पॉइंट्स। तो वही नंबर 8 पर है सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2.4 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। तो इस बार सोनी टीवी का डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 है नंबर 7 पर 2.5 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 इस हफ्ते पहुंचा है नंबर 6 की पोजीशन पर 2.5 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ही। आगे बढ़ते हैं और उन शोज के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने टॉप 5 की लिस्ट में जगह बनाई। तो इस हफ्ते नंबर 5 के पायदान पर है स्टार प्लस का शो ये है चाहते। जी, पिछले कुछ हफ्तों से स्टार प्लस का ये शो टीआरपी लिस्ट में छाया हुआ है, फिर चाहे वो बाघ की लिस्ट हो या फिर ऑनलाइन टीआरपी रिपोर्ट में। और इस हफ्ते शो को मिले हैं 2.6 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 4 की पोजीशन पर है इंडियन आइडल। वेल, शो का फिनाले आने को है, लेकिन जैसे जैसे शो अपने अंत की ओर जा रहा है लगातार टीआरपी में छाया हुआ है। शो को इस हफ्ते मिले हैं 2.7 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं तीसरे पायदान पर एक बार फिर से स्टार प्लस का शो इमली ही है। इस हफ्ते सुम्बुल ताकिर के शो को मिले हैं 2.9 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह स्टारर शो गुम है किसी के प्यार में शो एक बार फिर से दूसरे पायदान पर आ पहुंचा है 3.3 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। रही बात नंबर 1 पर आए शो की करें, तो इस हफ्ते भी कोई दूसरा शो नहीं है, सिर्फ अनुपमा का ही राज है। एक बार फिर से रूपाली गांगुली के शो ने सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल की है, जो कि है 4.0। वेल, तो ये है इस हफ्ते के टॉप 10 शोज की रिपोर्ट। अगले हफ्ते इस लिस्ट में कौन कौन से शो बने रहेंगे और कौन से हो जाएंगे आउट, हम आपको बताने जरूर आएंगे।